हेलो सरिता, कागुड्डू और सम्राट तुम्हारे पास दोबारा आए थे? अरे जब हम उनको पहले ही झाड़ पोछ के भेज चुके हैं तो वो यहाँ काहे आएंगे? देखो केजी से, अगर वो यहाँ दोबारा आए भी ना तो उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुम अब हमारे माई बाप को छोड़ दो, बूढ़े हैं बेचारे, उनको तकलीफ मत दो। हमारा जुबान तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं खुलने वाला। क्या हुआ, बोल काहे नहीं रहे हो? देखो अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो उनको छोड़ दो, हमको कैद कर लो। उसका कोनो जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे माई बाप को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। सच? हाँ संयुक्ता, तुम यहाँ पटना आके अपने माई बाप को ले जा सकती हो। हाँ, हम अब ये निकलते हैं तुरंत। रुको, निकलने के पहले हमरा एगो बात सुन लो। तुमको रांची से पटना बस में आना होगा और पूजा के गेटअप में आना होगा। पूजा के गेटअप में काहे? का तुम हमसे फिर से पूजा के रूप में कोनो गलत काम करवाना चाहते हो? हम का चाहते हैं नहीं चाहते हैं ये मत सोचो, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। नहीं केजी सेठ, पूजा बनकर हम कोनो गलत काम नहीं करेंगे। हमरे वजह से वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, घर तक छोड़ना पड़ गया उस बेचारी को। अब और उसके खिलाफ नहीं केजी सेठ, हमसे ही नहीं होगा। ठीक है, फिर तुम अपने माई बाप को भूल जाओ, हम फोन रखते हैं। फोन मत काटना, हमको हमारे माई बाबूजी चाहिए, हर हाल में चाहिए। फिर तो तुमको हमारी इस शर्त माननी ही पड़ेगी। केजी सेठ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमसे फिर कोनो पाप मत करवाओ। हम फोन काट रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं पूजा के रूप में, लेकिन तुमको अपना वादा निभाना है। हमरे माए बापूजी हमको सही सलामत चाहिए। एकदम सही सलामत मिलेंगे तो बहुत तो सही। हाँ, आज नहीं कल आना। पता नहीं अब कौन गलत काम करवाना चाहता है। संयुक्ता, तुम्हारे वजह से हमरे ऊपर उठने वाली हर उंगली अपने आप झुक जाएगी, हालात का रुख ही बदल जाएगा। यानी कि एक पंत दो काज, नहीं तीन काज। संयुक्ता, पूजा, शान। हमारा मन अब भी नहीं मान रहा है।
कि सम्राट ने जौन कुछ भी कहा है उसमें जरा भी सच्चाई है। ये लोगों ने जरूर हमारी बहन को प्रताड़ित किया होगा। पूजा जब से यहाँ पटना इन लोग के पास आई है तब से बेचारी को कुछ ना कुछ दुखी मिला है। और ये लोग अपना गलती छुपाने के लिए आपका भाई शालू का नाम ले रहे हैं कि सब कुछ उसी ने किया है। उसी की वजह से पूजा घर छोड़कर चली गई और उसी ने षड्यंत्र करके पूजा को चोर बना दिया। लेकिन भाई साहब हमको ये लोग की बात पे यकीन नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास पता करने के लिए आए। आप तो पूजा को अपनी बहन की तरह मानते हैं, गैर होने के बावजूद भी आपने उसकी कितनी सहायता की है। भाई साहब यहाँ क्या हुआ है ये आपको जरूर पता होगा। हमको किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, सिर्फ आप पर। भाई साहब इस शहर में कोई है जो संबंधों को सही मायने में समझता है तो वो सिर्फ आप हैं। सही कह रहे हैं आप, संबंधों को सही मायने में हम ही समझते हैं। शायद इसीलिए भगवान ने हमको इतनी बड़ी सजा दी है। सुधाकर बाबू, सम्राट ने आपसे जो कुछ भी कहा है 16 आना सच कहा है। आपकी बहन की दुश्वारी की असली वजह हमारी बहन शालू ही है। शालू ने ही पूजा को चोर बना दिया जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चली गई। इसमें इन लोगों का कोनो गलती नहीं है। एक मासूम को प्रताड़ित करने का सजा भी मिल गया है हमारी बहन को। सजा? कैसी सजा? अंधी हो गई है वो। एक एक्सीडेंट में उसका दोनों आंख का रोशनी चला गया। भगवान ने तो सजा दे ही दिया है उसको। अब आप आए हैं तो आप भी 2-4 थप्पड़ मार ही लीजिए उसको, भड़ास निकाल लीजिए अपना। जिसको खुद भगवान ने इतना बड़ा सजा दिया उस पर हम अपनी का भड़ास निकालें? भाई साहब जब बहन को तकलीफ होती है तो भाई के दिल की क्या हालत होती है ये हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। देखिए हम आपकी तकलीफ समझते हैं, इसका कौनो इलाज नहीं है। फिलहाल तो कोनो इलाज नहीं है, भविष्य का पता नहीं। हालांकि शालू ने हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया भाई साहब, लेकिन फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसका आंख का रोशनी कोनो तरीके से वापस आ जाए। चलते हैं भाई साहब, अपना बहन को तो हम कहीं ना कहीं से खोज ही निकालेंगे, ढूंढ के रहेंगे उसको हम। लेकिन आप शालू का ध्यान रखिएगा। और माँ जी आपसे इतना बड़ चूक कैसे हो गई?
आप तो पूजा के अपन बहू ने अपन बेटी माने ली, फिर काहे अपन बेटी की आंख में झांक के नहीं देख ले कि सच का है और झूठ का है। बिल्कुल ठीक भाई, बहुत फड़फड़ात रहल, भगवान ओकर दोनों पंख ही काट देलन। अब जिंदगी भर रगड़ रगड़ के जीना, तब ओकरा पता चली कि गुनाह के बोझ कितना भारी होखेला। ओकरा जैसन दुष्ट लड़की के संगे ये होखे के चाहत रहल। बेटा ऐसन मत बोला, ओकर तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ तो हमारा साथे का भाई, हमार जिंदगी नहीं बर्बाद भाई। उ लड़की हमनी के परिवार के संगे काका कैले भी हमारी, ये तोहरा के भी पता बा। उकर नाम भी हमरे सामने आवेला ना, तो हमार खून खोल जाला। भगवान गलती कैलन कि सिर्फ ओकरा के अंधा बनेलन। ओकरा के तब लूल लांगर गुंगा बहरा सब बना देवे के चाहत रहल, वो यही लायक रहल। बेटा अब जाए भी था, ओकरे गुनाहे के सजा ओकरा के मिल गई। ओकरे वजह से ओकर भाई गुड्डू उहो बहुत परेशान बा। शालू के अपने गलती के एहसास हो गए बा, उ रो रो के सबसे माफी मांगत पिया। बेटा ओकरा के प्रायश्चित करे के मौका दे के चाहे। हरगिज नहीं, हम ओकरा के कब्बो माफ नहीं करब, कब्बो नहीं। तू अपन मुंडी भी काट दी ना, तब वो हमरे दिल में ओकरे प्रति नफरत कम नहीं होगी। आज हृदय के बगियन में खुशियन के फूल खिल जाई, प्राण रहे तड़पत बिन जेकरे ओकरा से मिलन हो जाए, ओकरा से मिलन हो जाए, ओकरा से मिलन हो जाए। हमार बहन, अरे कहाँ चल गए रेलू, कहाँ कहाँ नहीं खुल गई तोहरा के। पूजा अगर अगर तोहरा के घर में नहीं रह के रह करो तकलीफ रह जा, तो अपन भाई के पास चले तू। का तोहार भैया ई लायक भी नहीं खे कि अपन बहन की जिम्मेदारी उठा सके। नहीं भैया ऐसा मत बोली, हम जाने नहीं कि आप हमरा से कितना प्यार करे ले। तो फिर काहे पूजा, काहे अपना दुख में हमरा के भागीदार नहीं बनोलू। ससुराल में तारा पे जुल्म होत रहे, तारा के प्रताड़ित कर जात रहे, और तू तो चुपचाप सब कुछ साथ रह लू, काहे? भैया हम आपके तकलीफ नहीं देवे के चाहत रहनी। बियाह के बाद एगो लड़की के ससुराल में ही रह के पढ़ेला, चाहे सुख मिले चाहे दुख। मायका में आके रहला पर समाज में कानाफूसी शुरू हो जाला, आताबाती शुरू हो जाला। भैया हमरा वजह से समाज के उंगली आप पर उठे, वो हम कब्बो बर्दाश्त नहीं कर पाती, यही से दूर चल गई थी। गलत,
तू एकदम गलत सोच लू। कई समाज के डर से एगो भाई अपन बहन के फटके खातिर छोड़ ना ही पूजा, ये तोहार भी घर बा, तू हक से जा रह सकेलू। सेठ, ये लड़की संयुक्ता अभी अभी निकली यहाँ से, सारी वारी पहन के एकदम सीधे साधे गेटअप में। वेरी गुड, अब ध्यान से सुनो तुमको क्या करना है।